सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर, वेलकम बैक टू चैनल। और आज के इस वीडियो में जो है ना CMF के इस फोन वन का कंप्लीट बैटरी चार्जिंग एंड ड्रेन टेस्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। CMF के इस फोन वन में जो है ना 5000 mAh का बैटरी मिलता है और 33 W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। बट CMF फोन वन के साथ CMF जो 33 W का फास्ट चार्जर लॉन्च की थी, जब से ये फोन सेल पे गया है तब से वो फोन स्टॉक में नहीं है। तो इस वीडियो में CMF फोन वन के बैटरी को चार्ज करने के लिए जो है ना मेरे पास यहाँ पे दो चार्जिंग अडैप्टर है। एक ये नथिंग का 45 W का टाइप सी पोर्ट वाला चार्जिंग अडैप्टर है। फिलहाल जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब ये नथिंग का 45 W का चार्जर फ्लिपकार्ट पे 2400 rupees के अराउंड मिल रहा है। नथिंग के इस 45 W के टाइप सी चार्जिंग अडैप्टर से बेटर होगा कि आप CMF का जो 65 W का GAN चार्जर आता है, जिसमें आपको दो टाइप सी पोर्ट और एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज उससे आप जो है ना मल्टीपल डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं और उसमें जो टाइप सी पोर्ट है उससे भी मैक्सिमम 45 W का ही आउटपुट आता है। तो CMF का 65 W का GAN चार्जर यूज करें या फिर नथिंग का ये 45 W का चार्जर हम यूज करें, चार्जिंग स्पीड CMF फोन वन के लिए जो है ना सेम ही रहेगा। इसके बाद जो दूसरा मेरे पास यहाँ पे चार्जिंग अडैप्टर है, ये सैमसंग का 25 W वाला सुपर फास्ट चार्जिंग अडैप्टर है और ये जो है ना ये आपको 1000 to 1200 rupees के अराउंड Amazon पे मिल जाता है। और Samsung का ये जो 25 W वाला अडैप्टर है ये भी एक टाइप सी पावर अडैप्टर है। तो ये जो USB टाइप सी टू टाइप सी केबल आपको CMF फोन वन के साथ मिलता है ना, इसको आप इसके साथ भी यूज कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि Samsung के इस अडैप्टर से कितना चार्जिंग टाइम लगेगा CMF फोन वन को चार्ज करने में, और साथ ही कंप्लीट बैटरी ड्रेन टेस्ट हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले Samsung के 25 W के चार्जिंग अडैप्टर को यूज करके जो है ना CMF फोन वन की बैटरी को 0 to 100% चार्ज करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेरे CMF फोन वन का बैटरी जो है वो कम्प्लीटली ड्रेन आउट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है ना हम इसको चार्जर से कनेक्ट कर देते हैं, एंड कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रख देते हैं और चार्जर को हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद जैसे ही इसमें चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे हम टाइमर भी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1% चार्जिंग जो है वो शो करने लगा है। तो हम CMF फोन वन को अब टर्न ऑन कर लेते हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पे यहाँ पे चार्जिंग रैपिडली शो कर रहा है Samsung के 25 W के अडेप्टर के थ्रू चार्ज करने पे। अब इस CMF फोन वन को जो है ना हमको 2 बार चार्ज करना पड़ेगा, 2 बार ड्रेन करना पड़ेगा, और दोनों ही चार्जिंग और ड्रेन टेस्ट अगर हम आपको पूरा डिटेल में दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस फर्स्ट चार्जिंग टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सेटिंग्स है वो दिखा देते हैं। जैसे कि इस कंप्लीट बैटरी चार्जिंग एंड ड्रेन टेस्ट के दौरान मेरा फोन जो है ना वो मोबाइल डेटा पे ही रन करेगा। जो ब्राइटनेस लेवल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस लेवल पे हम इसको सेट कर दिए हैं, अराउंड 80% ब्राइटनेस पे हम इसको सेट कर दिए हैं। साथ ही जो मीडिया वॉल्यूम है इस पूरे चार्जिंग एंड ड्रेन टेस्ट के दौरान जो है ना वो कंप्लीटली 100% पे रहेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे अपने फोन के सेटिंग में जाते हैं, एंड यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले रिफ्रेश रेट में आप देख सकते हैं कि हम इसको हाई पे सेट कर दिए हैं। हाई 120Hz सेट करने पे अगर आप अपने फोन को यूज करेंगे तो आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा, नहीं यूज करेंगे तो ये 60Hz पे स्विच कर जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम सेटिंग में जाते हैं बैटरी सेटिंग में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद इन 3 मिनट जो है ना 4% चार्ज हो गया है। 55 मिनट का टाइम जो है वो एक्सपेक्टेड शो कर रहा है फुल चार्ज के लिए। और यहाँ पे बैटरी सेटिंग में ही जो है ना आपको बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन मिलता है, तो इसको हम इनेबल कर देते हैं ताकि स्टेटस बार में यहाँ पे बैटरी परसेंटेज दिखता रहे। इसके अलावा बैटरी सेटिंग में ही जो है ना बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो है ना यहाँ पे बैटरी हेल्थ का एक सेटिंग मिलता है जिसमें कस्टम चार्जिंग मोड एंड स्मार्ट चार्जिंग मोड है। तो हम यहाँ पे स्मार्ट चार्जिंग मोड सेलेक्ट करके रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अडैप्टिव बैटरी का सेटिंग मिलता है, ये भी जो है वो इनेबल है। तो एक बार जब CMF फोन वन के बैटरी चार्जिंग का 30 मिनट का टाइम पूरा हो जाता है तो फिर हम लोग चेक कर लेंगे कितना परसेंट तक ये चार्ज हो जाता है। सो यहाँ पे CMF फोन वन के चार्जिंग का 30 मिनट का टाइम जो है वो पूरा हो चुका है। फोन को अगर हम अनलॉक करें तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 30 मिनट में 53% चार्ज हो गया Samsung के 25 W के चार्जिंग अडैप्टर से। रूम में AC नहीं चल रहा है, फैन चल रहा था, और क्योंकि अभी हमको वीडियो रिकॉर्ड करना है तो जस्ट अभी हम फैन ऑफ कर दिए हैं। तो यहाँ पे फोन में जो है ना एज सच कोई हमको बहुत ज्यादा वार्म फील नहीं हो रहा है। क्विकली एक बार जो है ना यहाँ पे हम टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। डेस्क का जो टेम्परेचर है वो 29.3°C है, डिस्प्ले पे टॉप साइड का टेम्परेचर 36°C है, बॉटम साइड पे टेम्परेचर 34.3°C है, बैक साइड में कैमरा पैनल के अराउंड का 36.4 है, एंड बैटरी के बैक साइड में टेम्परेचर जो है 34.8 है। तो टेम्परेचर जो है ना फोन का एकदम नॉर्मल है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जब CMF फोन वन एक बार फुल चार्ज हो जाता है तो जो फाइनल चार्जिंग टाइम होगा Samsung के इस 25 W के चार्जर से वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। जो एक्सपेक्टेड टाइमिंग अब यहाँ से शो कर रहा है फुल चार्ज में वो 25 मिनट है। ओके, तो यहाँ पे CMF फोन वन को Samsung के 25 W के चार्जर से चार्ज करते हुए 1 घंटे का टाइम पूरा हो चुका है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा CMF फोन वन जो है ना 95% चार्ज हो गया है। मैं आपको क्लियरली दिखा देते हैं बैटरी सेटिंग में, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। तो लगभग फुल चार्ज हो गया है, 95% से ज्यादा चार्ज हो गया है। 3 मिनट का एक्सपेक्टेड टाइम शो हो रहा है, तो यहाँ पे 100% इसको चार्ज हो जाने देते हैं।
फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो CMF फ़ोन वन है वो 100% चार्ज हो गया है एंड लगभग यहाँ पे 1 घंटा 11 मिनट 30 सेकंड का समय लगा। तो हम यहाँ पे टाइमर को स्टॉप कर देते हैं। लास्ट 95% से 100% चार्ज होने में जो है ना 11 साढ़े 11 मिनट का टाइम लग गया। आप 1 घंटे में CMF फ़ोन वन को 0 to 95% तक चार्ज कर सकते हैं सैमसंग के इस 25 वॉट के चार्जर के थ्रू। एंड फुल चार्ज होने पे या कंप्लीट चार्जिंग के दौरान जो है ना हमको CMF फ़ोन वन में ऐसा कोई भी वार्म होने वाला या हीटिंग इश्यूज जो है सैमसंग के इस चार्जर को यूज़ करते हुए फील नहीं हुआ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे CMF फ़ोन वन का बैटरी फिर से कम्प्लीटली ड्रेन्ड आउट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम चार्जिंग के लिए जो है ना ये नथिंग का 45 वॉट वाला चार्जिंग अडाप्टर यूज़ करेंगे। और ये वीडियो बनाने में जो है ना सिर्फ एक ही दिन का टाइम नहीं लगा है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक यहाँ पे चार्जर को हम पावर सॉकेट से कनेक्ट कर लेते हैं एंड फिर से हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे मेरा ये CMF फ़ोन वन का बैटरी जो है वो कम्प्लीटली ड्रेन्ड आउट है। तो यहाँ पे जो है चार्जर को कनेक्ट करते हैं अपने फोन से एंड यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो ही जाएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं हम टाइमर भी एंड यहाँ पे लगभग चार्जिंग के 40 सेकंड के अंदर में जो है ना मेरा फोन यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 1% एंड चार्जिंग रैपिडली यहाँ पे शो कर रहा है। फोन को हम अनलॉक कर लेते हैं एंड जो सेटिंग हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाए थे जैसे कि ब्राइटनेस लेवल जो है वो अराउंड 80% पे है, वॉल्यूम लेवल जो है वो 100% पे है, इसके अलावा जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो 120Hz पे सेट है। तो एक बार जब आप चार्जिंग का 30 मिनट का टाइम पूरा हो जाएगा ना फिर हम लोग इसका बैटरी परसेंटेज जो है वो चेक कर लेंगे। फिलहाल 2% चार्ज हो गया है एंड 45 वॉट के नथिंग के चार्जर को कनेक्ट करने पे यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड टाइमिंग है वो सैमसंग के 25 वॉट के चार्जर को जब हम यूज कर रहे थे उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा शो कर रहा है। सैमसंग का जब हम 25 वॉट का चार्जर यूज कर रहे थे उस समय यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड टाइमिंग था फुल चार्ज के लिए वो 55 मिनट के अराउंड आई थिंक शो कर रहा था, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 घंटा 38 मिनट का टाइम जो है वो एक्सपेक्टेड शो कर रहा है फुल चार्ज के लिए। फिलहाल हम इसके स्क्रीन को करते हैं ऑफ एंड नेक्स्ट 30 मिनट के बाद चेक करते हैं। सो नथिंग के इस 45 वॉट के चार्जर से CMF फोन वन को चार्ज करते हुए जो है ना हमको लगभग 30 मिनट का टाइम अब यहाँ पे पूरा हो चुका है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी जो है वो 49% चार्ज हुआ है। एक बार क्विकली हम यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मेजर कर लेते हैं। रूम का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होना चाहिए, 29.5 है, और स्क्रीन पे टॉप साइड का जो टेम्परेचर है वो 35.8 है, बॉटम साइड पे जो टेम्परेचर है वो 33.6 है, बैक में कैमरा पैनल के आसपास का टेम्परेचर 36.6 है और बैटरी के बैक साइड में टेम्परेचर 34.8 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी 50% चार्ज हो गया, एक्सपेक्टेड टाइम जो वो 37 मिनट शो हो रहा है। और आपको बता दें कि मेरे रूम में कोई भी एसी नहीं चल रहा है, फैन चल रहा था जो कि हम पिछले 1 मिनट से बंद किए हुए हैं क्योंकि हमको वीडियो रिकॉर्ड करना था। तो टेम्परेचर में भी कोई मैसिव गेन तो यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है नथिंग के इस 45 वॉट के चार्जर के थ्रू। बट जब हम सैमसंग के इस 25 वॉट के चार्जर को यूज कर रहे थे फर्स्ट 30 मिनट के चार्जिंग में जो है ना CMF फोन वन 50% से ज्यादा चार्ज हो गया था, आई थिंक 53% चार्ज हो गया था। बाकी अब फिर से हम स्क्रीन को ऑफ करते हैं एंड नेक्स्ट जब 1 घंटे का चार्जिंग टाइम पूरा हो जाता है तब चेक कर लें कितना परसेंट ये चार्ज होता है। ओके, तो अब यहाँ पे नथिंग के 45 वॉट के चार्जर से CMF फोन वन को चार्ज करते हुए 1 घंटे का टाइम पूरा हो चुका है एंड यहाँ पे चार्जिंग परसेंटेज आप देख सकते हैं 93% चार्ज हो गया है। जब हम सैमसंग का 25 वॉट का चार्जर यूज कर रहे थे तो 1 घंटे में CMF फोन वन 95% चार्ज हो गया था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे 5 मिनट का टाइम जो है वो शो कर रहा है फुल चार्ज होने के लिए और फोन जो है ना इन हैंड अब बिल्कुल भी वार्म फील नहीं हो रहा है। तो स्क्रीन को ऑफ करते हैं और एक बार जब 100% चार्ज हो जाता है तो फाइनल चार्जिंग टाइम होगा हम आपके साथ शेयर कर देंगे। सो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा CMF फोन वन जो है वो 100% फुल्ली चार्ज हो चुका है और नथिंग के इस 45 वॉट के चार्जर से जो है ना यहाँ पे भी लगभग 1 घंटा 11 मिनट का समय लगा और सैमसंग के 25 वॉट के चार्जर से जब हम 0 to 100% चार्ज किए थे तो वहां पे 1 घंटा 11 मिनट 27 सेकंड का समय लगा था। एंड दोनों ही चार्जर को यूज करते हुए हमको यहाँ पे जो है ना कोई भी ऐसा टेम्परेचर गेन CMF फोन वन में नोटिस नहीं हुआ एंड इन दोनों ही चार्जर को यूज करते हुए जो फास्ट चार्जिंग स्पीड था वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही था। दोनों ही चार्जर्स से 30 मिनट में CMF फोन वन लगभग 50% चार्ज हो जाता है और 1 घंटे में लगभग 95% के आसपास चार्ज हो जाता है एंड फुल चार्ज होने में दोनों ही चार्जर से लगभग 1 घंटा 11 मिनट का समय लगता है। बट यहाँ पे चार्जिंग टेस्ट का कंक्लूजन ये है कि इन दोनों ही चार्जर के प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। सैमसंग का 25 वॉट का चार्जर आपको अमेजोन पे जो है ना 1000 से 1200 रुपए के आसपास मिल जाता है, जबकि ये नथिंग का 45 वॉट का चार्जर आपको फ्लिपकार्ट पे 2500 रुपए के आसपास
आसपास मिलता है, कभी कभी सेल के दौरान 2000 रुपए के आसपास मिलता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि CMF फोन 1 के लिए अगर आपको एक बेस्ट चार्जर परचेज करना है, क्योंकि CMF का जो 33 वॉट का चार्जर जो इसके साथ ऑफिशियली सपोर्टेड है वो अभी भी फ्लिपकार्ट पे स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको 1000 से 1200 रुपए के आसपास कोई चार्जर लेना है तो सैमसंग का ये 25 वॉट का चार्जर जो है वो आप परचेज कर सकते हैं, लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बट अगर आप एक चार्जर पे 2500 से 2700 रुपए के आसपास खर्च कर सकते हैं तो CMF का 65 वॉट का एक गैन चार्जर आता है, जिसमें आपको जो है ना 3 पोर्ट्स मिल जाता है, 2 USB Type-C पोर्ट और 1 USB Type-A पोर्ट। तो आप उस चार्जर को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज उससे भी जो है ना आपको सिमिलर चार्जिंग स्पीड ही देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज उस चार्जर में भी जो टाइप सी पोर्ट है उसमें आपको 45 वॉट का ही आउटपुट मिलता है। बट CMF के 65 वॉट के गैन चार्जर के साथ आपको एक एडवांटेज ये मिलेगा कि आप उस चार्जर का यूज करके जो है ना एक साथ मल्टीपल डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। अब फिर से जो है ना हम यहाँ पे CMF फोन 1 को जो है ना चार्जर से कनेक्ट कर दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% चार्ज है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी फुल शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम चार्जर को डिस्कनेक्ट करते हैं, टाइमर को हम रीसेट कर दिए हैं, तो वापस हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं एंड अब हम इसमें बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे। बैटरी ड्रेन टेस्ट का स्टार्टिंग जो है ना कुछ बेंचमार्क्स रन करेंगे, तो क्विकली हम यहाँ पे एंटीटू बेंचमार्क ओपन कर लेते हैं, टेस्ट अगेन पे टैप कर देते हैं एंड CMF फोन 1 पे यहाँ पे एंटीटू बेंचमार्क में नथिंग फोन 3 लिखा हुआ आता है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि एंटीटू बेंचमार्क टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, स्कोर जो है वो आप देख सकते हैं 6.5 लाख के अराउंड का है। फिलहाल अब यहाँ पे हम नेक्स्ट Geekbench 6 CPU बेंचमार्क जो है वो रन कर लेते हैं, 2% बैटरी जो है वो ड्रॉप हो चुका है। तो यहाँ पे Geekbench 6 CPU बेंचमार्क टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है, स्कोर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ से जो है ना 15 मिनट का CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट का CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ जो है ना लगभग यहाँ पे 37 मिनट का बैटरी ड्रेन टाइम भी कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे CMF फोन 1 का बैटरी जो है वो अब 91% बैटरी रिमेनिंग है। तो यहाँ पे क्विकली एक बार टेम्परेचर हम मेजर कर लेते हैं, रूम का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है एग्जैक्टली, स्क्रीन के टॉप साइड का जो टेम्परेचर है वो 41.4 है, बॉटम साइड का जो टेम्परेचर है वो 35.6 है, कैमरा पैनल के बगल में जो टेम्परेचर है वो 41.5 है एंड बैटरी के बैक साइड में टेम्परेचर 37.0 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर में कोई मैसिव गेन नहीं है, रूम में नॉर्मली पंखा चल रहा था, एसी नहीं चल रहा है। अब मेरे बैटरी ड्रेन टेस्ट में जो है ना नॉर्मली हम वही एप्स यूज़ करते हैं जो आप अपने डे टू डे में यूज़ करते हैं, बट बेंचमार्क्स जो है वो आप अपने डे टू डे में यूज़ नहीं करते हैं। बट डे टू डे में कुछ ऐसा यूसेज होता है जो कि हम इस बैटरी ड्रेन टेस्ट में कवर नहीं करते हैं, जैसे कि वेब ब्राउजिंग हो गया, व्हाट्सएप यूज़ करना हो गया या कॉलिंग हो गया, तो उन सब यूसेज में जो बैटरी ड्रेन होता है उसको आप बेंचमार्क में जो बैटरी ड्रेन होता है उससे रिप्लेस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना हम यूट्यूब ऐप ओपन कर लेते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम वॉल्यूम को थोड़ा म्यूट कर देते हैं एंड यहाँ पे अगर हम जाते हैं वीडियो के सेटिंग में तो आप क्वालिटी देख सकते हैं 1080p यहाँ पे क्वालिटी जो है वो हम सेट किए हुए हैं, 2 आवर्स का एक वीडियो है। तो अब इस वीडियो को जो है ना नेक्स्ट 2 घंटे तक हम प्ले करेंगे 1080p रेजोल्यूशन में। अब हम वॉल्यूम को जो है वो फुल कर देते हैं एंड इसको हम कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कर देते हैं ताकि ये फुल स्क्रीन में प्ले हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 घंटे का 1080p रेजोल्यूशन पे यूट्यूब प्लेबैक टाइम कंप्लीट हो चुका है एंड टोटल बैटरी ड्रेन का 2 घंटा 43 मिनट का समय भी पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे जो है ना हम इस टेस्ट को क्लोज करते हैं, रिमेनिंग जो बैटरी परसेंटेज है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 69% बैटरी रिमेनिंग है, मतलब कि 31% बैटरी जो है वो ड्रेन हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ से जो है ना हम 1 घंटे तक गेम्स जो है वो प्ले करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ओपन कर लेते हैं एंड कॉल ऑफ ड्यूटी में जो ग्राफिक सेटिंग मिलता है वो आप देख सकते हैं, लो ग्राफिक क्वालिटी पे मैक्स फ्रेम रेट, मीडियम पे मैक्स फ्रेम रेट, हाई पे मैक्स फ्रेम रेट और वेरी हाई ग्राफिक क्वालिटी पे आपको वेरी हाई फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हम हाई ग्राफिक क्वालिटी पे मैक्स फ्रेम रेट पे नेक्स्ट 30 मिनट तक कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम प्ले करने वाले हैं।
has revived like little bride. तो यहाँ पे हम अपने CMF फोन वन पे लास्ट 30 मिनट से जो है ना कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम जो है वो प्ले कर रहे हैं। एंड यहाँ पे एक बार क्विकली हम टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। रूम का जो टेम्परेचर है वो 30.9 31 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। स्क्रीन का टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस है एंड स्क्रीन में बॉटम साइड का टेम्परेचर 38.9 है। कैमरा पैनल के आसपास का टेम्परेचर 42.8 है और बैटरी के बैक साइड का टेम्परेचर 39.4 है। और लास्ट 30 मिनट से मतलब कि जितना देर से हम कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम प्ले कर रहे थे उतना देर से रूम में ना ही एसी चल रहा है ना ही फैन चल रहा है, तो टेम्परेचर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हो गया है इस कारण से। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है हम 30 मिनट्स तक बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम प्ले करने वाले हैं। बट BGMI के गेम प्ले के दौरान हम फैन को ऑन कर दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है ना एक बार हम सेटिंग चेक कर लेते हैं। तो BGMI में CMF फोन वन में आपको स्मूथ पे एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है, बैलेंस सेटिंग पे अल्ट्रा, HD पे अल्ट्रा, HDR पे अल्ट्रा तक का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे स्मूथ और एक्सट्रीम सेटिंग पे गेम जो है वो प्ले करने वाले हैं। तो CMF के फ़ोन वन पे लास्ट एक घंटे से जो है ना कॉल ऑफ ड्यूटी एंड BGMI गेम प्ले कर रहे थे 60 FPS सेटिंग पे। एंड लास्ट 30 मिनट से जब हम BGMI प्ले कर रहे थे तो हम फैन ऑन करके प्ले कर रहे थे। तो यहाँ पे एक बार अगेन टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। 38.3 डिग्री सेल्सियस है स्क्रीन के टॉप साइड पे, बॉटम साइड में 35.5, कैमरा पैनल के अराउंड का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है एंड बैटरी के बैक साइड में टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है एंड रूम टेम्परेचर आई थिंक 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही होगा। तो यहाँ पे अब जो रिमेनिंग बैटरी परसेंटेज है वो आप देख सकते हैं, 50% के अराउंड बैटरी जो है वो ड्रेन हो गया है, 48% के अराउंड यहाँ पे बैटरी जो है वो ड्रेन हो गया है, 52% बैटरी रिमेनिंग है। अब नेक्स्ट यहाँ से 30 मिनट तक जो है ना हम सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम यूज़ करेंगे, इस पे रील्स प्ले करेंगे। तो यहाँ पे लगभग 30 मिनट्स हो चुका है इंस्टाग्राम पे रील्स प्ले करते हुए, रिमेनिंग बैटरी परसेंटेज है 46%। अब नेक्स्ट यहाँ से हम नेटफ्लिक्स पे एक मूवी स्ट्रीम करेंगे एंड नेटफ्लिक्स के ऐप सेटिंग में अगर आप देखते हैं प्लेबैक स्पेसिफिकेशन में तो इस फोन में वाइडबैंड L1 सर्टिफिकेशन मिलता है, मैक्सिमम प्लेबैक रेजोल्यूशन फुल HD है, HDR का सपोर्ट नहीं है एंड यहाँ पे जो मोबाइल डेटा यूसेज है उसको हम ऑटोमेटिक पे सेट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो हम इस मूवी प्ले कर रहे हैं ये 2 घंटा 50 मिनट के रन टाइम के साथ आता है, तो ये कंप्लीट मूवी अब हम इस फोन पे प्ले करेंगे। एंड ड्यूरिंग मूवी प्लेबैक अगेन हम यहाँ पे जो है ना एक वायरलेस ईयरफोन जो है वो यूज करने वाले हैं, बिकॉज CMF फोन वन में आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलता है जिसमें मूवीज देखते हुए, वीडियोज देखते हुए, मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हुए जो साउंड आउटपुट का एक्सपीरियंस है ना आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे ये 2 घंटा 50 मिनट का मूवी था जिसको हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके जो है ना 2 घंटा 10 मिनट में देख लिए एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 घंटा 34 मिनट का टोटल बैटरी ड्रेन टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो है ना एक बार क्विकली देख लेते हैं कि बैटरी परसेंटेज कितना रिमेनिंग है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 32% बैटरी रिमेनिंग है। तो अब 7 आवर्स का बैटरी ड्रेन टाइम कंप्लीट होने तक नेक्स्ट यहाँ पे हम कैमरा ऐप ओपन कर लेते हैं एंड इसमें वीडियो मोड में हम 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे नेक्स्ट 7 आवर्स का बैटरी टाइम कंप्लीट होने तक। सो यहाँ पे CMF फोन वन में जो है ना लास्ट 25 मिनट से हम 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या कैमरा ऐप को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम कैमरा ऐप को क्लोज करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24% बैटरी रिमेनिंग है एंड बैटरी ड्रेन का यहाँ पे टोटल 7 आवर्स का टाइम जो है कंप्लीट हो चुका है, तो टाइमर को हम स्टॉप कर देते हैं। 7 घंटे के बैटरी ड्रेन टेस्ट करने के बाद भी यहाँ पे 24% बैटरी रिमेनिंग है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम जाते हैं CMF फोन वन के सेटिंग ऐप में एंड यहाँ पे जाते हैं बैटरी में और बैटरी यूसेज पे हम टैप करें, उससे पहले हम आपको बता दें कि बैटरी यूसेज को जो है ना हम 2-3 बार चेक किए हैं, बैटरी यूसेज एकदम करेक्ट शो नहीं करता है। बैटरी ड्रेन टेस्ट के स्टार्टिंग में आपको मेरे CMF फोन वन के स्टेटस बार में जो टाइम दिख रहा था आप उससे मैच कर सकते हैं कि टोटल 7 घंटे का बैटरी ड्रेन टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे बैटरी यूसेज में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 आवर 55 मिनट ही शो कर रहा है जो कि रॉन्ग है और इसको हम मल्टीपल टाइम चेक कर लिए हैं। जब हम सैमसंग के चार्जर से इसको चार्ज किए थे ना तब भी हम बैटरी यूसेज को चेक किए थे और ये करेक्ट शो नहीं करता है, काफी टाइम लगता है इसको अपडेट होने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे 2 आवर्स का यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम शो कर रहा है, कॉल ऑफ ड्यूटी का 36 मिनट, नेटफ्लिक्स का 30 मिनट ही शो कर रहा है जबकि नेटफ्लिक्स पे कंप्लीट मूवी हम देखे
जो कि लगभग हम 2 घंटा 10 मिनट तक देखे थे। फिर इंस्टाग्राम यहाँ पे करेक्ट शो कर रहा है 30 मिनट तक, BGMI यहाँ पे 33 मिनट शो कर रहा है। इसके अलावा जो बेंचमार्क टेस्ट्स है वो शो कर रहा है। मेन यहाँ पे नेटफ्लिक्स का टाइम जो है वो अपडेटेड शो नहीं कर रहा है, बट CMF फोन वन का जो टोटल स्क्रीन ऑन टाइम है आज के डेट का, अगर आपको वो देखना है ना, तो एक और जगह आप देख सकते हैं। आप सेटिंग में ऐप्स में आ जाइएगा, ऐप्स में आपको नीचे मिलता है स्क्रीन टाइम का ऑप्शन, इसके ऊपर टैप करके आप आज का कंप्लीट स्क्रीन टाइम देख सकते हैं। यहाँ पे 8 आवर्स 40 मिनट शो कर रहा है, बिकॉज इस फोन का चार्जिंग टेस्ट या ड्रेन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले भी हम CMF फोन वन को आज के डेट में यूज किए थे, वो सारा टाइम यहाँ पे शो करता है। एंड इसमें आप देख सकते हैं कि आज जो है ना, यूट्यूब हम 2 आवर्स 18 मिनट यूज किए, नेटफ्लिक्स 2 आवर्स 9 मिनट यूज किए। इसके अलावा CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट जो है ना, इस फोन के बैटरी को कम्प्लीटली ड्रेन करने के लिए आज सुबह में हम काफी बार रन किए थे, इसलिए यहाँ पे 1 आवर 27 मिनट शो करा है। कॉल ऑफ ड्यूटी 35 मिनट। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आज का मेरा यूसेज रहा वो करेक्टली यहाँ पे शो कर रहा है। फ्रेंड्स आप देखिए CMF फोन वन का कंप्लीट बैटरी चार्जिंग एंड बैटरी ड्रेन टेस्ट। बैटरी चार्जिंग टेस्ट जो है ना, आपको नथिंग के 45 वॉट के चार्जर एंड सैमसंग के 25 वॉट के सुपर फास्ट चार्जर के थ्रू दिखाएं। और जब तक CMF का जो 33 वॉट का ऑफिशियल सपोर्टेड चार्जर है वो स्टॉक में नहीं आता और आपको एक चार्जर परचेज करना है, तो सैमसंग का ये जो 25 वॉट का चार्जर है ना, ये अच्छा डील है। ये आप देख सकते हैं, ये आपको 1000 to 1200 rupees में मिल जाएगा। नथिंग के 45 वॉट के चार्जर से भी सेम ही चार्जिंग स्पीड देखने के लिए मिलता है, तो इस चार्जर को लेने से अच्छा है कि आप CMF का जो 65 वॉट का GAN चार्जर है वो ले लीजिए। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं वो हम ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुके हैं। अब यहां पे अगर हम CMF फोन 1 के बैटरी ड्रेन टेस्ट के बारे में बात करें, तो 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला। ऑलमोस्ट जो भी हम लोग डे टू डे में एप्स यूज करते हैं वो सब यूज भी हम किए, ब्राइटनेस लेवल भी हम आपको दिखाए। एंड इस कंप्लीट बैटरी चार्जिंग एंड ड्रेन टेस्ट के दौरान CMF फोन 1 को हम 120Hz हाई रिफ्रेश रेट पे यूज किए, वॉल्यूम लेवल जो है वो 100% पे रखे थे। बैटरी ड्रेन टेस्ट के दौरान कुछ यूसेज में जो है ना, हम एक ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन यूज किए थे, बट फिर भी 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम और 24% बैटरी अभी भी रिमेनिंग है। इस चीज को देख के ये क्लियरली बोला जा सकता है कि इस फोन में आपको मॉडरेट या हैवी यूसेज में भी जो है ना, इजीली 5 आवर प्लस या 6 आवर प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। और इतने स्क्रीन ऑन टाइम के साथ जो है ना, इजीली आपका ये फोन या इसका 5000mAh का बैटरी आपको एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप निकाल के दे देगा। साथ ही बैटरी ड्रेन टेस्ट के दौरान जो है ना, हम इस फोन में 1 घंटे तक गेमिंग किए, जिसमें हम 30 मिनट के अराउंड BGMI एंड 30 मिनट के अराउंड कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम प्ले किए। दोनों में ही 60fps का ऑप्शन मिल जाता है। कैजुअल गेमिंग आप इस फोन पे कर सकते हैं एंड 15,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से इस फोन में अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाता है। काइंड ऑफ स्टेबल 60fps गेमिंग आप कर सकते हैं अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हैं। अगर आप बहुत लॉन्ग सेशन तक गेमिंग करते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस हो, बट अगर आप कैजुअली गेमिंग करते हैं, टाइम पास के लिए कभी कभार गेमिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में जो है ना, इस फोन में आपको अच्छा स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड इस फोन के कंप्लीट बैटरी चार्जिंग एंड ड्रेन टेस्ट के दौरान हमको इस फोन में कोई भी मेजर ओवरहीटिंग वाला इशू देखने के लिए नहीं मिला। एंड फोन का जो कंप्लीट बिल्ड है ना, वो प्लास्टिक बिल्ड में है, तो इन हैंड जो है ना, फोन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा फील भी नहीं होता है। और अगर आप अपने रूम में नॉर्मल सीलिंग फैन को फुल स्पीड पे चला के इस फोन में गेमिंग करते हैं, भले ही लॉन्ग सेशन तक, फिर भी आपको जो है ना, इस फोन में कोई मेजर हीटिंग इश्यूज जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपको CMF फोन 1 के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको स्क्रीन पे एक बटन दिख रहा होगा, टैप करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।